गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। वेलकम टू अहम बायोलॉजी क्लासेस। आपको अहम बायोलॉजी क्लासेस को सब्सक्राइब करना है एंड साथ ही साथ प्रेस करना है ये नोटिफिकेशन बेल ताकि आपको अपडेट मिले। थैंक यू। माय नेम इज़ अमृत एंड आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट फोर, जो कि हमने 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज रखी थी, जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर EMRS एंड DSSSB एग्ज़ाम के लिए। उसका ये पार्ट फोर है। अभी तक हम इसकी पार्ट थ्री कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, क्लिक करके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 31 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अमॉन्ग द फॉलोइंग। नीचे कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए करेक्ट हैं। वन है, लिविंग थिंग ग्रो विद इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ सेल। जो लिविंग सेल होते हैं वो कैसे ग्रो करते हैं, मास में ग्रो करते हैं, नंबर ऑफ सेल में ग्रो करते हैं, ठीक है। सेकेंड है, मेटाबॉलिज्म इज टू स्टेज प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो मेटाबॉलिज्म है वो टू स्टेज प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। थर्ड स्टेटमेंट है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज अ ट्रेड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं किसके लिए, स्टिमुलाई के लिए, ठीक है। तो बताना है कि इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए में दे रखा है कि सिर्फ वन स्टेटमेंट करेक्ट है। बी में है बोथ वन एंड थ्री इज करेक्ट। सी में है ओनली टू इज करेक्ट एंड डी में है वन टू एंड थ्री तीनों ही करेक्ट है। बताइए क्या है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर है डी। इसमें तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है इन रिस्पॉन्स टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाउ मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अनएक्सेप्शनली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से कैसे डिफर करता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन ए है रिप्रोडक्शन, ऑप्शन बी ग्रोथ एंड मूवमेंट, ऑप्शन सी इंटरैक्शन एंड एनवायरनमेंट एंड डी है रिस्पॉन्सिवनेस। बताइए क्या है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर है डी। नाउ मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, इन प्लांट्स सेल डिवीजन ऑकर डैश वेयर एज इन एनिमल इट ऑकर डैश। प्लांट सेल में कैसे सेल डिवीजन होता है, एनिमल में कैसे सेल डिवीजन होता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। ए है ओनली अप टू अ सर्टन स्टेज और कंटिन्यूसली, देन बी कंटिन्यूसली ओनली अप टू अ सर्टन एज, सी कंटिन्यूसली इन बोथ या डी ओनली अप टू अ सर्टन एज इन बोथ। बताइए क्या है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर है बी। इन प्लांट सेल सेल डिवीजन ऑकर कंटिन्यूअसली, प्लांट में क्या होता है सेल डिवीजन कंटिन्यूअसली होता है, वेयर एज इन एनिमल इट ऑकर अप टू अ सर्टन एज। एक सर्टन एज में जाकर के एनिमल में सेल डिवीजन जो होता है वो नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर होगा बी। नाउ मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच टू ऑफ द बिलो गिवन पॉइंट्स आर नोन एज द ट्विन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। इनमें से कौन सा नीचे दिया हुआ करेक्टरिस्टिक ट्विन करेक्टरिस्टिक्स है किसका, ग्रोथ का। पहला है इंक्रीज इन मास, दूसरा है इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, तीसरा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और चौथा है सेलुलर डिफरेंशिएशन। बताइए क्या है इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए है वन एंड टू, बी है टू एंड थ्री, सी है वन एंड थ्री एंड डी है थ्री एंड फोर। बताइए क्या है इसका करेक्ट आंसर, जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ का ट्विन्स करेक्टरिस्टिक्स है। बताइए, यस, क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर है ए, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ये क्या है ट्विन करेक्टरिस्टिक्स है ग्रोथ का। देन मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कॉलम वन एंड कॉलम टू में हमें मैचिंग करनी है। कॉलम वन में है प्लानेरिया,
फंजाई, ईस्ट एंड अमीबा, इधर उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दे रखा है। वन में दे रखा है बाइनरी फिजन, सेक्सुअल स्पोर, थ्री में बडिंग, फोर में ट्रू रीजनरेशन एंड फाइव में फ्रेगमेंटेशन। अब हमें मैचिंग करनी है कि किसकी रिप्रोडक्शन कैसे हुई है, बताइए क्या है इसका करेक्ट आंसर। देखो प्लानेरिया में होता है ट्रू रीजनरेशन, यानी कि ए के साथ क्या जाएगा, फोर, ठीक है। बी फंजाई, फंजाई में कैसे होता है रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल स्पोर से, ठीक है, तो बी के साथ जाएगा टू। सी ईस्ट, ईस्ट में रिप्रोडक्शन जो होता है ईस्ट में रिप्रोडक्शन होता है बडिंग के थ्रू, ठीक है। एंड अमीबा में होता है बाइनरी फिजन, ईस्ट में होता है हमारा बडिंग के थ्रू एंड अमीबा में होता है बाइनरी फिजन के थ्रू। और जो हमारा लास्ट फाइव बच गया फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन जो है ये भी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है किसका, फंगी का। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, जिसमें ए के साथ जाएगा फोर, ठीक है। बी फंजाई के साथ दो जाएंगे, एक जाएगा हमारा सेक्सुअल स्पोर और दूसरा जाएगा फ्रेगमेंटेशन। ईस्ट में होता है बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन एंड अमीबा में होता है बाइनरी फिजन के थ्रू। तो क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर है बी। देन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू। हमें बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है एंड ये भी बताना है कि स्टेटमेंट टू जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट वन का है या नहीं, ठीक है। तो देख लेते हैं, स्टेटमेंट वन है रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी कंसीडर एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो रिप्रोडक्शन है इसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। स्टेटमेंट टू दे रखी है देयर आर मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है मोल्स का, वर्कर बीज का, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स का, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू करेक्ट है या नहीं और स्टेटमेंट टू जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वन का या नहीं। तो देख लेते हैं, ए है वो स्टेटमेंट वन एंड टू आर ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। बी है वो स्टेटमेंट वन एंड टू आर ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। सी है स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। एंड डी है वो स्टेटमेंट्स वन एंड टू आर फॉल्स। सिंपल सी बात है भाई, स्टेटमेंट वन भी करेक्ट है, स्टेटमेंट टू भी करेक्ट है, स्टेटमेंट टू जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट वन का। तो क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर होगा ए, वो स्टेटमेंट वन एंड टू आर ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन, ठीक है। नाउ मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है Which of the following statements regarding the response of living organism to external stimuli is correct? कौन सा स्टेटमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक्सटर्नल स्टिमुलाइजेशन के लिए करेक्ट है, ये यहाँ पर बताना है। ए है द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट स्टिमुलाई कैन बी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। देन बी है ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रोकैरियोट टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंट स्टिमुलाई, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। देन सी है कॉन्सियनेस एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देन डी है ऑल ऑफ दिस, बताइए क्या है क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर। ईजी है, क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर है डी, एक्सटर्नल स्टिमुलाई फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है एंड प्रोकैरियोटिक से लेकर के यूकैरियोटिक ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करते हैं और जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो इसमें सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर होगा डी। नाउ मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है सिलेक्ट द करेक्टली रिटन बॉटनिकल जूलॉजिकल नेम, यहाँ पर बॉटनिकल एंड जूलॉजिकल नेम लिखा गया है, हमें करेक्टली जो रिटन है वो सिलेक्ट करना है। ए में है होमो सेपियन, बी में है पाइसम सटाइवम, सी है पैंथेरा टाइग्रस,
दंडी है मैंगी फेरा इंडिका, बताइए क्या है इसमें करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर है सी, यहाँ पर पैंथेरा टाइग्रस यही सही लिखा हुआ है, बाकी सब गलत लिखे हुए हैं। ठीक है, देन मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है फर्स्ट स्टेप इन टैक्सोनॉमी इज, जो फर्स्ट स्टेप होती है टैक्सोनॉमी की वो क्या होती है। ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करना। बी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना। सी नॉमनिक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म को नाम देना। या डी क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बताइए पहली स्टेप टैक्सोनॉमी की क्या है। क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप जो है टैक्सोनॉमी की वो क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना। देन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 40, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके 10 में से कितने आंसर करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेवल इन लिविंग बींग, लिविंग बींग में ऑर्गेनाइजेशन लेवल का यहाँ पर करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है ये बताना है यहाँ पर। ए में है सब सेलुलर, सेलुलर, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, पॉपुलेशन। बी में है इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, ऑर्गन सिस्टम, टिश्यू, सेलुलर, मॉलिकुलर, एटॉमिक। सी है एटॉमिक, मॉलिकुलर, टिश्यू, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, पॉपुलेशन। या डी में है एटॉमिक, मॉलिकुलर, सब सेलुलर, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, इंडिविजुअल, बताइए क्या है इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर है डी, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन लेवल का वो है पहले एटॉमिक, देन मॉलिकुलर, फिर सब सेलुलर, फिर सेलुलर, सेलुलर के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन सिस्टम एंड उसके बाद इंडिविजुअल। तो ये थे आज के हमारे 10 MCQ। होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूले वीडियो को, और अगर अभी तक आपने अहम बायोलॉजी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं करना है तो सब्सक्राइब करें अहम बायोलॉजी क्लासेस को एंड प्रेस करें नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू गेट द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।